Good morning, students. We are learning about some basic concepts of chemistry. In basic concept of chemistry, we have learned about molecular formula. You know molecular formula. Molecular formula. जब भी किसी molecule को हम formula की form में represent करते हैं, this is known as molecular formula. और उसी molecular formula में जितने भी atoms present हैं, उन atom के masses का जो भी summation होगा, वो कहलाएगा molecular mass. तो ये दो चीजें clear होती है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मासेस. जैसे अगर देखो आप, हम वाटर की बात करते हैं, H2O, ठीक है. वाटर की एक यूनिट को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हुआ वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हम देखें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इट इज द समेशन ऑफ मासेस ऑफ एटम्स. इस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, उनके मासेस का जो समेशन है वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास. तो ये चीज क्लियर होती है. मॉलिक्यूलर मास हम जनरली कैलकुलेट करते हैं फॉर सिंपल कंपाउंड, और उसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर आयोनिक कंपाउंड. समझते हो आप, आयोनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयन्स, जहां पर प्लस और माइनस आयन्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड. और उन आयोनिक कंपाउंड के लिए जब हमें एक यूनिट बनानी होती है, जब हमें मास निकालना होता है, तो हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. देखो जिस तरह मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, उनके मासेस का समेशन कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास. अब आपसे पूछा जाए फॉर्मूला मास क्या है, तो फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, वो भी मॉलिक्यूलर मास है, बट किसका? आयोनिक कंपाउंड का. तो देखो फॉर्मूला मास, मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड. किसी भी आयोनिक कंपाउंड का अगर आप मास निकाल रहे हो टोटल, तो उसे आप फॉर्मूला मास कहोगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते हैं. अब हम चले मॉलिक्यूलर मास, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड. किसी भी आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट बनेगी. फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, उस फॉर्मूला यूनिट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर हमने NaCl आयोनिक कंपाउंड का, सिंपल सॉल्ट के आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है. समझते हो आप, NaCl सिंपल सॉल्ट है हमारा. या देखने में तो हमें NaCl दिखाई दे रहा है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल देखते हैं. आयन आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जब हम उसका क्रिस्टल देखते हैं तो इस तरह से हमें नजर आता है Na+Cl-, इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है उनका आयन्स का, ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड किए हुए होते हैं, तो यहाँ पर बनता है हमारा क्रिस्टल. तो देखो फॉर्मूला यूनिट आपने निकालनी है, इसकी डेफिनेशन जो देखिए आपने मॉलिक्यूलर मास की, वहाँ फॉर्मूला यूनिट निकल कर आया. तो वो फॉर्मूला देखो, आपने आयनिक कंपाउंड को देखा NaCl को, यहाँ पर कौन सी यूनिट का रिपीटेशन हुआ है, Na और Cl का. इन्हीं का बार बार रिपीटेशन होकर हमारा पूरा NaCl का आयोनिक कंपाउंड बना है. तो वही चीज है, यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी इसके लिए Na+ और Cl-, यानी ये इसकी यूनिट है. इसी यूनिट को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आपको NaCl का क्रिस्टल मिल रहा है. ये चीज समझ में आई? अब यहाँ पर इस, आपको पता है NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इसके लिए मॉलिक्यूलर मास ना निकाल कर आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला मास. तो देखो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यानी सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है. कहने को तो ये कि यहाँ पर इतने सारे Na+ और इतने सारे Cl- है, बट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उनका यूनिट ले लिया, एक यूनिट यानी उनका कॉम्बिनेशन लिया. तो यहाँ देखो हम 23 यूनिट मास, समझते हैं यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफाइड मास को. हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है AMU होती है, और उसी AMU को हम यूनिफाइड मास यूनिट यानी यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. 23U यानी 23 यूनिफाइड मास किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सोडियम का, सोडियम का एक से, और 5.5U जो है वो क्लोरीन के लिए फिक्स है. तो उन दोनों को आपने कंबाइन किया था, आपके लिए टोटल NaCl का फॉर्मूला मास 58.5U निकल कर आता है. ये चीज क्लियर होती है. अब आयोनिक कंपाउंड क्या है, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल लिख सकते हो. कुछ एग्जाम्पल है आयोनिक कंपाउंड के, NaCl तो है हमारा, और उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जहां पर Ca+ और Cl- आयन्स का कॉम्बिनेशन है, वहां फॉर्मूला यूनिट CaCl हो जाएगी. और उसके अलावा ZnCl2 लिख सकते हो, ये भी आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है. NaOH लिख सकते हो, ये भी आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, Na+OH-. और उसके अलावा MgOH साल्ट वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आयोनिक कंपाउंड का. तो इन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जब भी आपसे मास पूछेंगे तो आप फॉर्मूला मास कहोगे.
फॉर्मूला मास सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास की तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो है फॉर्मूला मास, एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? देखो, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल को जिस फॉर्मूला के थ्रू हम शो करते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम बात कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। तो देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट है उनका सिंपल रेशियो निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स को भूल जाओ, उनका रेशियो निकाल लो, तो वही रेशियो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो यहाँ पर, जैसे एसिटिक एसिड है हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब आपको कहा जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो आप लिख सकते हो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। अब आपसे कहा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ एसिटिक एसिड का, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका सिंपल रेशियो निकाल लो। देखो कैसे, कार्बन का नंबर देखो यहाँ पर 1, 2 कार्बन है, यहाँ लिखोगे आप। हाइड्रोजन देखो 3N1, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन देखो 2 है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या तो आप ऐसा ओपन करके लिखो CH3COOH या फिर C2H4O8 लिख दो, दोनों चीजें सही है, ये दोनों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आपको इसका सिंपल रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल रेशियो कोई भी एक नंबर ले लो जिससे ये तीनों नंबर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर डिवाइड हो जाए, सिंपल होल नंबर रेशियो हमें मिलेगा। हमने देखो 2 लिया, 2 से ये 2 डिवाइड हुआ, ये 4 भी डिवाइड हुआ और ऑक्सीजन का 2 भी डिवाइड हुआ, तो हमारे पास क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला आया? CH2O। ये सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया CH2O। ये एसिडिक एसिड, बट एसिडिक एसिड का हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लिया, तो इसको हमने नाम दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड। क्लियर होती है ये चीज? आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको कैलकुलेट करना है, इफ यू हैव गिवन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू द एन इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो एन क्या है? एन इन एनी होल नंबर रेशियो, कोई भी होल नंबर रेशियो। अब कौन सा होल नंबर रेशियो है वो देखो कैसे निकालते हैं। इफ यू हैव गिवन मॉलिक्यूलर वेट समझते हो, मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका समेशन कर दो, वो मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितना भी एटम्स प्रेजेंट है उनके मास का समेशन कर दो, वो एम्पिरिकल मास आ गया। इन दोनों के डिवाइडेशन पर जो आपको नंबर मिल जाए उसे ही हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वही कोई भी होल नंबर रेशियो है, और वो एन आप अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ग्लूकोज आपको गिवन है, फॉर्मूला जानते हैं सभी ग्लूकोज का, C6H12O6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे तो सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे करोगे? आपने एक नंबर पकड़ लिया, उससे आप इन तीनों को डिवाइड करो, तीनों एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, तो 6 से 2 और तीनों नंबर होंगे, 6 से हमारा कार्बन का 6 भी डिवाइड होगा, हाइड्रोजन का 12 भी डिवाइड होगा और ऑक्सीजन का 6 भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आएगा? CH2O। तो ये CH2O हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज के लिए। ओके, अब देखो आपको एन कैलकुलेट करना है, तो एन कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एटम्स का समेशन करोगे। ओके, और एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने एटम्स है उनके मासेस का समेशन करोगे। किया हमने, तो हमारे पास एन जो है वो 6 निकल कर आया। क्लियर? अब इसी 6 को आप यहाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया और एम्पिरिकल वेट दे दिया, आपसे कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो, तो आप इस तरह कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट से एम्पिरिकल वेट को डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, इसे नोट डाउन करो आप पहले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, हम क्लियर हो जाएगा। यू हैव अ गिवन क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास 90 U, आप समझते हैं सभी, एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O2। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। आपको क्या दे दिया? आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास। आपको हर एक चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, हिंट भी क्वेश्चन में छुपा होता है, बस हमें पहचानना आना चाहिए।
हमें मॉलिक्यूलर मास बने 90 यूनिट, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला भी बने। ये छोटू हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है फॉर द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपके पास फॉर्मूला इक्वेशन तो लिखे एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला भी मिली बने ये छोटू, आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। बट एन कहाँ से आएगा, देखो एन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, एन के लिए फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास। ओके, पहले एन निकालो फिर उसे फॉर्मूला में रखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो एन के लिए देखो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है 90 यूनिट, वो यहाँ पर रख दो। इंपेरिकल मास कहाँ से आएगा, इंपेरिकल मास उसके इंपेरिकल फॉर्मूला से आएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है छोटू, ठीक है, कैसे निकालोगे? कार्बन के लिए 12 यूनिट देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट, ऑक्सीजन के लिए 16 यूनिट है, जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा एम्पेरिकल मास। ओके, तो हमने जब इस वैल्यू को हमने एन के फॉर्मूला में रखा तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। अब 2 फॉर्मूला में रख दो, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 × CHO2। ओके, तो C2H2O4 इट इज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हिंट हमारा क्वेश्चन में हिडन होता है, वहीं से फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला आपको लिखवाए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से लर्न करो, अच्छे से मगअप करो। ओके, तो देखो आज हमने क्या सीखा है, हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं। एक तो हमने देखा इंपेरिकल फॉर्मूला और एक आयोनिक कंपाउंड के लिए आपने देखा है फॉर्मूला मास। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ही है फॉर आयोनिक कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपल हॉल नंबर रेशियो है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, ये हमारा बेसिक है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।